की वजह से आई मायशा और ईशान में दूरियां और घर वालों ने ठहराया प्रतीक को विलेन। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू अवर चैनल। जो यार यहाँ पर प्रतीक की वजह से दूरियां आ गई है मायशा और ईशान के बीच में। दरअसल प्रतीक जो है काफी ज्यादा इधर उधर दिखाई देते हैं जब मायशा और ईशान बातचीत कर रहे होते हैं, और इसी को लेकर ईशान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रतीक से। वेल यहाँ पर कहीं ना कहीं मायशा जो है वो उनकी पॉइंट से एग्री नहीं करती हैं, तो वहीं मायशा और प्रतीक आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां पर मायशा रोती हुई भी नजर आती है। ये सब देख के ईशान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ईशान जो है मायशा से बात करते हैं इस बारे में। वेल यहाँ पर हो जाती है छोटी सी नोकझोंक, जहां पर ईशान फिर तेजस्वी और करण के साथ में भी अपनी चीजें शेयर करते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर तेजस्वी और करण जो है ईशान को बताते हैं कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। वेल ये लोग समझाते हैं ईशान को, और फिर वही सभी लोग यानी कि घर वाले जो हैं वो प्रतीक को विलेन बना देते हैं। वेल ये सारी चीजें चल रही होती है, और यहाँ पर फिर ईशान डिस्कस करते हैं मायशा के साथ में कि आखिर में वो क्या सोच रहे हैं और उनके प्रॉब्लम्स क्या है। वही मायशा भी ये सारी चीजें जो है डिस्कस करती हुई नजर आती हैं। वेल अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है बिग बॉस के घर में इन दोनों कपल्स का, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है उसके बाद से ही इन दोनों के बीच में नोकझोंक जो है वो शुरू हो गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजीव जो है उन्होंने ये चीज कही थी कि ईशान कहीं ना कहीं प्यार में अंधा हो चुका है, जो कि उसके गेम के लिए सही नहीं है, और अगर मैं घर के अंदर जा रहा हूं तो मैं ये चीज उसे बताऊंगा। तो वही मायशा जो है वो उन्हें काफी ज्यादा चालाक नजर आती है, काफी ज्यादा स्मार्ट नजर आती है। तो यही सारी चीजें जो है अब घर में देखने को भी मिल रही है, जहां पर ईशान और मायशा के बीच में भी डिस्प्यूट नजर आ रहे हैं। वेल आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर, और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।